गया। कांग्रेस का भी अपना लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी भूमिका है। रंजीता मेहता जी, आप लोग राजनीति कर लेते हैं, आप लोग दावे कर लेते हैं, लेकिन एक शहीद की वीरांगना जो कि अतिथि शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो मुंडन करवाती है, कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचता। हमने टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट थी वो स्लो था, स्कूल सफर कर रहे थे, इसलिए हुड्डा साहब ने उस समय, मैडम कांग्रेस का क्या पक्ष था, ये मैंने अभी इसी सवाल में जानने की कोशिश नहीं की। जब एक महिला मुंडन करवाती है, आप एक महिला हैं, आप एक पार्टी से जुड़ी हैं, 10 साल तक मैं आपको पूरी बात का जवाब दूंगी। पहले इस पर आइए, पहले इस पर आइए, आप ये बताइए आप लोग पहुंचना जरूरी क्यों नहीं समझते, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं? बता रही हूँ, जब ये इन्होंने मुंडन करवाया है, बकायदा हमारी महिला कांग्रेस की टीम बकायदा इनके घर पे जाकर इनको मिलकर आई है और इनको सांत्वना देकर आई है और बात करके आई है कि हम आपके साथ है और हम आपकी लड़ाई में भी आपके साथ है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब रामबिला शर्मा जी जंतर मंतर पर जाते हैं, वहां पर जाकर वो वादा करते हैं कि पहली कलम से हम आपको पक्का करेंगे, तो वो शरे आम इनके घोषणा पत्र में भी लिखा जाता है, वहां पर वो वे भी वादा करते हैं कि आपका 6 साल का एरियर, आपका 8 साल का एरियर, आपका 10 साल का एरियर भी दिया जाएगा। तो क्या वो चीजें जो इन्होंने वादे किए थे सिर्फ तब उनको नहीं पता था कि कानूनी दाव पे जाएंगे? का वक्त था ना जरूरी समझा, ना ही पैनल पर आकर सरकार का पक्ष रखा जाना जरूरी समझा जाता। विवेक जी, इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ, मैं तो कहूँगा जो नेता हैं ज्वार यादव जी, उनको बकायदा पहले पता लग चुका था कि ऐसा मुंडन कराने का काम ये कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज तक उनके पास टाइम नहीं है। वो अमित शाह जी की रैली में इतने व्यस्त हैं, 1 लाख मोटरसाइकिलों की उन्हें ज्यादा टेंशन है, सरकार की बात कर ले, पूरी ही सरकार, पूरी सरकार को जानकारी, अगर आज 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 ज्वार यादव जी की अगर बात करें तो ज्वार यादव जी सीएम साहब से सेकंड है, मैं यही कहना चाहूंगा। सीएम साहब के बाद ज्वार यादव जी का नंबर आता है, ज्वार यादव जी को पता है तो सीएम साहब को अपने आप ही पता है। उनका कोशिशें जरूर कर रहे हैं, उनका फर्ज था, उनका फर्ज था वहाँ पर पहुँचने, उनका फर्ज था वहाँ पर पहुँचने का, राजनीति करते हैं। करवाया गया उसके लिए इनेलो ने कितनी कोशिशें की कि विपक्ष की भी कम से कम कोई भूमिका है, हम लोग रोकने की कोशिशें की करें किसी भी लिहाज से। नहीं, इनेलो के जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे सारे वहाँ पे पहुंचे और उनसे मिलके भी आए हैं, और 2 दिन के बाद वहाँ हमारे जो महिला अध्यक्ष हैं स्टेट के, शीला बयान जी, वो भी जाने का काम कर रहे हैं, 2 दिन बाद काम करेंगे सीएम साहब भी, यूं तो मिलने का काम करेंगे। राजीव रंजन जी, क्या लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचे थे कि विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मुंडन करवाया जा रहा है, सरकार है कि सुनती नहीं? खतरनाक संकेत है और इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको रेगुलराइज करने में सरकार ने जो पक्ष रखा है कोर्ट के सामने, उसको इन्होंने पूरी ईमानदारी से शायद नहीं रखा है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जजमेंट आया हुआ है कि अगर आप सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते हैं और वो कोई भी कैंडिडेट सारा अगर जो लेट डाउन जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको अगर मीट करता है तो उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं।